हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वैदिक आईक्यू में। और आप पढ़ने वाले हैं आज क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 साइंस का। और इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लिक करके वो देख सकते हैं, ठीक है। आप बच्चों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके सारे के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको यहीं पर मिल जाएंगे, आपको किसी और चैनल पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। मैं हालाँकि इस बुक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर है वो नहीं कराऊंगा, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल मेरा फोकस है कि मैं क्वेश्चन आंसर आपको नहीं कराऊं और जो चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ा दूं, ताकि आप खुद से ही क्वेश्चन आंसर कर लो। नहीं तो देखता हूँ, कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आंसर 2 मिनट में करवा भी देंगे हम, ठीक है। चलो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। तो क्या है आपका चैप्टर का टाइटल? मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। इससे पहले हमने एलिमेंट के बारे में पढ़ा है ना, पहले चैप्टरों में। तो हम जानते हैं कि हमारे आसपास में कितने सारा मटेरियल है ना। कुछ आप देखते हो प्लास्टिक का बना होता है, कुछ लोहा का, जो आपकी मम्मी आपको टिफिन में रोटी रैप करके देती है वो एल्युमिनियम फॉइल देखते हो आप, है ना। इसी तरीके से आपकी घर में आप देखते हो करंट की वायर जाती है ना। तो वायर के बाहर तो प्लास्टिक होता है, अंदर में उसके कॉपर होता है, ठीक। ऐसे ही एल्युमिनियम वाली वायर भी होती है। एक काम करना, आज ना दुकान पे जाना और बिजली वाली दुकान पे जाना, वहाँ जाके उनको पूछना है ना कि भैया ज़रा दिखाना आयरन वाली सॉरी कॉपर वाली तार दिखाना, एल्युमिनियम वाली तार दिखाना, उनसे रेट भी पूछ के आना उन दोनों के, ठीक है। तो देखना दोनों में क्या डिफरेंस है। और आयरन तो आप हर जगह देखते हो, है ना। मम्मी से पूछना कॉपर का बर्तन है क्या घर में, ठीक है, तांबे का, वो भी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है? कुछ एक इनमें से मेटल होते हैं, कुछ एक इनमें से नॉन मेटल होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है ना, और क्या डिफरेंस है, क्या अंतर आता है मेटल और नॉन मेटल में, क्या अंतर है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, ये क्वेश्चन आ रहा होगा आपके मन में, है ना। चलो देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, मतलब वो दिखने में कैसे हैं वो हम देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल नॉन मेटल। ये सब बहुत सारी कहानियाँ हैं, ऐसे ही दिए हुए हैं एग्जाम्पल कि हाँ आप नेल लो, एल्युमिनियम लो, वायर लो, कुल का पीस लो, पेंसिल लो, उनको हैमर से क्रश करके देखो, पीट के देखो क्या रिजल्ट आपको निकल के आता है, वो आपने लिखना है, ठीक है। तो आप देखोगे कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, ठीक है, तो अगर आप आयरन को नेल हैमर से ठोकोगे तो देखो वो धीरे धीरे पिचकता जाएगा, है ना, पिचकता जाएगा, पिचकता रहेगा और पतला होता रहेगा, है। ऐसे एल्युमिनियम की फाइल को भी अगर आप एल्युमिनियम का भी कुछ अगर लो, उसको भी पीटोगे तो वो भी पतला होता चल जाएगा, पतला हो जाएगा। कॉपर का भी वैसे ही होता जाएगा, पतला पतला, और वो ना एक तरीके से शीट में बदलने लग जाएगा, ठीक है। शीट कैसे होता है, जैसे पेपर जैसे हो जाती है ना, वैसा है। तो किसी भी फॉर्म में हो लेकिन उसको ठोकते रहोगे तो वो पेपर जैसा बनने लग जाएगा, शीट की फॉर्म में बनने लग जाएगा, ठीक है। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? स्पेशली मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप उसको ठोकोगे तो वो मेटल बन जाएगा। और दूसरा देख लो, कोयला को अगर आप ठोको थोड़ा सा टूट टूट के चूर चूर हो जाएगा, है ना। दूसरा आप लेड, जो आपके पेंसिल का नोक होती है उसमें लेड होता है, ठीक है, लेड भी एक एलिमेंट है, उसको भी ठोकोगे आप तो वो चूर चूर हो जाएगा, है ना। लेकिन जो भी मेटल का बना होगा वो क्या होगा, शीट्स के फॉर्म में बनना चालू हो, शीट के फॉर्म में बनना चालू हो जाएगा, ठीक है, तो वो मेटल होगा, समझ जाओ, ठीक। तो अंतर करना आ गया आपको, मेटल कौन सा होगा, नॉन मेटल कौन सा होगा, सिंपल से आपको पता चल जाएगा। और जब वो शीट में फॉर्म होता है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी बीटन इनटू शीट इज कॉल्ड मैलेबिलिटी। ये आपको डेफिनेशन एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय मैलेबिलिटी, तो आप ये याद रखना, ठीक। और क्या है प्रॉपर्टी? द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, जब हम उसको पीटते हैं, बीट करते हैं, तो वो थिन शीट में चेंज हो जाती है, ये प्रॉपर्टी को मैलेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे समझ में आ गया। अब देखो दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ हम पढ़ रहे हैं उसकी, ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? अब आपने देखा है घर में स्क्रू ड्राइवर के पीछे प्लास्टिक लगा हुआ है, या लकड़ी का, या फिर हैमर, देखो हैमर में लकड़ी लगी हुई होती है पीछे में, है ना। और क्या होता है आप देखो तवा होगा, है ना, मम्मी का तवा जिस पर रोटी बनाते हैं, उसमें भी या तो वुडन का लगा हुआ होगा कुछ हैंडल पे, या तो फिर प्लास्टिक का लगा होगा, है ना। तो क्यों लगा है, आपने कभी सोचा है? तो सिंपल सा बात यह है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, अगर मान लो स्क्रू ड्राइवर पे प्लास्टिक का नहीं लगा हुआ हो, वो
है ना, तो क्या होगा, करंट आ जाएगा, है ना, आपके हाथ में करंट आ जाएगा, आपको करंट लग जाएगा। अब मम्मी के तवा पे अगर हैंडल में अगर लकड़ी का हैंडल नहीं हो या प्लास्टिक का नहीं हो तो गर्मी से हाथ जल जाएगा मम्मी का, है ना। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो मेटल की चीज़ें होती हैं वो क्या होती है, कंडक्टर होती हैं। किस चीज़ की कंडक्टर, मतलब पास होने देती हैं अपने से, ठीक है, सिंपल सी पास, कंडक्टर है मतलब पास होने देंगी। तो क्या पास होने दे रही है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने दे रहे हैं, है ना। तो मेटल आपका हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होने देता है। अब वही आप देख लो, आपने प्लास्टिक क्यों लगाया, क्योंकि तो प्लास्टिक नॉन मेटल, प्लास्टिक नॉन कंडक्टर है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होने देगा अपने से, तो इस चलते इसको लगाया गया। वुड भी नॉन कंडक्टर है, तो ये दोनों पास नहीं होने देते हैं, ठीक। ऐसे ही एक छोटा सा एग्जांपल आपने पहले भी किया होगा, ये देखो, एक आप सेल ले लो, है एक उससे एक एक तरफ तो आप छोटा सा एलईडी कनेक्ट कर दो और दूसरे एंड से आप इसको क्या, यहाँ पे या तो कील ले लो लोहे की, है ना, उसको ज्वाइन करो और फिर इस कील से उस एलईडी को टच करा के देखो, ठीक है। तो आप देखोगे कि ये क्या होगा, जल पड़ेगा, है ना, क्यों, क्योंकि आयरन, ये कील किस चीज़ की बनी है, आयरन की बनी हुई है, आयरन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर होता है, तो पास कर जाएगा। अब इसकी जगह चेंज करके देखो, लकड़ी लगा दो, पास ही नहीं होगा, है ना, या दूसरा कुछ लगा दो, क्या बोल रहा है आपका, आयरन, सल्फर, कोल, कोल लगा के देख लो, कोयला लगाओगे कभी पास होगा, कभी भी नहीं पास होगी इलेक्ट्रिसिटी, है ना, सल्फर भी लगाओगे तो भी पास नहीं होगी, ठीक। तो इससे हमें पता चल गया कि हाँ भाई, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं और जबकि जो नॉन मेटल हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, समझ में आ गया आपको। अब एक और चीज है, जो कॉपर की वायर हो, आप अभी मैंने आपको बताया था ना कि वायर दो चीज, दो मेटल से बनती है, या तो कॉपर से या एल्युमिनियम से, ठीक है। कभी आपने सुना है कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की तार है वो आपकी कोयले की बनी है, नहीं ना, क्योंकि वो एक तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा और दूसरा कारण यह है कि उसको बनाया भी नहीं जा सकता, है ना, वायर में नहीं ड्रॉ किया जा सकता। तो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाई विच इट कैन बी ड्रॉन इन टू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, ये भी आपको आ सकती है, ठीक है, डेफिनेशन ये याद रखना है, ठीक। ऐसी प्रॉपर्टी मेटल की जिससे कि हम उसको वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, वो कहलाती है डक्टिलिटी, ठीक है। ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखनी है, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी। तो हम दो प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, है ना, मेटल की क्या होती है, मेटल मेलेबल होता है, मेटल आपका डक्टाइल होता है, मेटल आपका गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। अब हम चौथी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। देखो, अगर आप ना, आपके देख घर में प्लेट होगी ना, प्लेट में थोड़ा सा मार के देखना चम्मच से, तो देखो कैसे आवाज़ आती है, टन से आवाज़ आएगी, है ना। वही आप लकड़ी को मार के देखो तो नहीं आएगी, वैसे रिंगिंग बेल नहीं आएगी, है ना, टन झन सी आवाज़ नहीं आएगी। तो आप मेटल का किसी भी चीज़ को ले के मार लो, है ना, जो भी चीज़ मेटल की बनी होगी अगर आप उसमें मारोगे, है ना, तो वो रिंगिंग साउंड पैदा करता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, सोनोरस प्रॉपर्टी। और दूसरे जितने भी नॉन मेटल हैं उनको अगर आप रिंग करोगे तो उनमें, बीट करोगे तो उसमें रिंगिंग साउंड नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गई मेटल की, मेटल हार्ड होते हैं, सारे मेटल हार्ड हैं, आप देख लो कौन कौन से हमने डिस्कस किए, हमने डिस्कस किया आपका आयरन, डिस्कस किया कॉपर, डिस्कस किया एल्युमिनियम, डिस्कस किया, सारे हार्ड है ना, हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, लस्ट्रस मतलब चमकते हैं, है ना, चमकीले होते हैं। अब जो कोयला का चमकता थोड़ी ना है, चमकता कौन है आपका, लोहे का चीज, लोहे की चीज़ चमकेगी, कॉपर की चीज़ चमकती है, एल्युमिनियम की चीज़ चमकती है ना। मेलेबिलिटी क्या होती है हमने पढ़ लिया, मेलेबिलिटी क्या है, ये शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, डक्टाइल मतलब वायर बन सकता है, सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड देता है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। और बाकी सारे नॉन मेटल्स होते हैं जो ये प्रॉपर्टीज नहीं पोजेस करते, ठीक। अभी इसमें मेटल में ना थोड़ा सा एक दो एक्सेप्शन है, अभी हमने क्या पढ़ा कि हार्ड है ज़्यादातर, है ना, लेकिन एक दो एक्सेप्शन है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम, ये दोनों भी मेटल हैं लेकिन ये सॉफ्ट होते हैं और इनको चाकू से आराम से काटा जा सकता है।
देखो अभी तुम लोग बहुत छोटी क्लास में हो, तुमको ये नाम याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, और इनकी प्रॉपर्टीज भी याद रखनी पड़ेगी। जब आप बड़ी क्लास में चल जाओगे ना, 10th में, 11th 12th में, तो आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा, है ना। अभी आपको सिर्फ याद रखना है चीज़ों को, ठीक। मेटल्स के एग्जाम्पल आपको याद हो गए कौन कौन से हैं, आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, है, ये तीन तो याद रहेंगे, साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम भी याद रख लेना, ये भी आपके क्या है, मेटल है। और नॉन मेटल में कौन कौन सा होता है, सल्फर, कार्बन, कोयला, ऑक्सीजन याद रखना, और फॉस्फोरस याद रखना, ठीक है, तीन चार याद रखना नाम बस, ठीक। मेटल में दो तीन एक्सेप्शन है, कौन से, सोडियम, पोटेशियम, इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको चाकू से काटा जा सकता है। मरकरी भी मेटल है, जो कि लिक्विड में होती है ना, टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड में होती है। कहाँ देख सकते हो आप मरकरी, थर्मामीटर देखा है ना घर में, पुराने वाला थर्मामीटर, डिजिटल नहीं है, कुछ पुराने वाला थर्मामीटर होता है, घर में पूछना कि पुराने वाला थर्मामीटर दिखाओ, डिजिटल वाले में नहीं दिखेगा आपको, तो उसमें मरकरी होती है वाइट वाइट सी, ठीक है, उसको पारा बोलते हैं हिंदी में, आप घर में पूछना, आपको दिखाएंगे मम्मी पापा, ठीक है। चलो तो ये हमने पढ़ ली प्रॉपर्टीज, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन प्रॉपर्टी मेटल पढ़ी हमने, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली आपकी। अब हम पढ़ने वाले केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, हम तो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑक्सीजन के साथ ये कैसे कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल्स, है ना। अब हम जानते हैं, आपने देखा लोहे पे जंग लग जाता है, आप देखना घर पे कोई पुरानी चीज़ होगी, या घर में पूछना कि मम्मी पापा से कि जंग लगा हुआ लोहा कैसा दिखता है दिखाओ, तो आपको दिखाएंगे कि लोहे के ऊपर ना छोटी सी पपड़ी सी बन जाती है ना, जैसे दूध के ऊपर मलाई नहीं बन जाती है, वैसे वो छोटी सी एक लेयर सी बन जाती है लाल कलर की, है, रस्ट उसको बोलते हैं हम, ठीक। आपने पहले भी पढ़ा है इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। तो वो कैसे रस्ट बनता है आपका, जब आयरन, ऑक्सीजन और वाटर मिलता है तो वो रस्ट की रस्ट बन जाता है, ठीक। अब यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप वो रस्ट को लो, पानी में थोड़ा सा डिजोल्व करो, है ना, फिर उसको रेड लिटमस पेपर टेस्ट लो, तो ये बेसिक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक, ये एग्जाम दिया हुआ था। कॉपर को भी अगर आप देखोगे, जो कॉपर की चीज़ें होती हैं उनमें भी, मम्मी से पूछना आप, है ना, कॉपर की चीज़ में देखोगे कुछ दिनों बाद अगर वो ऐसी रहे, उसको साफ वाफ नहीं करो, तो वो क्या होता है, ग्रीन ग्रीन सा उस पर डिपॉजिट जमा हो जाता है, वो भी उसका रस्टिंग ही कहते हैं, कॉपर भी रस्ट करता है। कॉपर का रस्ट क्या होता है, वो होता है मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, ये है उसका केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ। कॉपर, वाटर, ऑक्सीजन और एयर में कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही होती है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, पता है ना आपको, तो ये तीनों मिला करके ये दोनों कंपाउंड बना देती है, कार्बन हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन कार्बोनेट, ठीक है, कॉपर कार्बोनेट, सॉरी कार्बन कार्बोनेट कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीजें हैं, अब एक लाइन आपको और याद रखनी है, मेटलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, जितने भी मेटलिक ऑक्साइड्स होंगे वो क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, बेसिक, ठीक। तो मेटल के बारे में हमने पढ़ लिया कि मेटल कैसा होता है, मेटल का ऑक्सीजन के साथ कैसा रिएक्शन होगा, जितने ही मेटल ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, और आपका जो रेड लिटमस पेपर होगा उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक। अब हम नॉन मेटल के बारे में ही पढ़ लें, नॉन मेटल क्या करता है भाई, है ना। तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट करना मत, बट बस आपको दिया हुआ है बुक में, है ना, एक कांच का एक जार लेते हैं, ठीक है, एक मेटल का कप लेते हैं, हम मेटल का कैप लेते हैं, उसमें मेटल की वायर लगा देते हैं, ठीक है, और एक सल्फर थोड़ा सा लेकर के हम उसको क्या करते हैं, इसमें सल्फर लेकर के हम उसमें डाल देते हैं, तब इस जार के अंदर डाल देते हैं, टम्बलर वेल बोल रहे हैं इसको, ठीक है, उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, ठीक, ठीक है ना, उसको रख देते हैं, उसके बाद थोड़ी देर बाद हम उसको चेक करते हैं सॉल्यूशन को, ठीक, सॉल्यूशन को बाहर निकालते हैं, सॉल्यूशन को चेक किया जाता है किससे, रेड लिटमस पेपर से। अब इस बार क्या होगा, इस बार वो एसिडी को देगा रिजल्ट, है ना, क्योंकि सल्फर क्या था, सल्फर आपका नॉन मेटल था, है ना, तो ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। ये देखो लिटमस पेपर आपका पहले ब्लू था,
ब्लू से वो रेड हो गया है ना, एसिडिक बता रहा है, सॉल्यूशन क्या हो गया, एसिडिक हो गया है ना। ये सब करना नहीं है आपको घर में एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, खतरनाक होता है। तो देखो सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर से मिलाए, क्या बन गया, सल्फ्यूरस एसिड बन गया। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं नेचर के, ठीक है। मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। रिएक्शन विद वाटर, अब वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल और नॉन मेटल, ये थोड़ा सा देख लेते हैं हम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, टू बी डेमोंस्ट्रेटेड बाय द टीचर, आपको खुद नहीं करना है, ठीक है। हम थोड़ा सा सोडियम मेटल लेते हैं, सोडियम मेटल बहुत खतरनाक होता है, कभी भी इसको साथ नहीं खेलना, ठीक है। एकदम कितना छोटा, कि वीट का ग्रेन देखा है ना अपने, छोटा सा दाना होता है वीट का, उतना सा लेंगे हम, और उसको हाथ से कभी नहीं पकड़ते हैं सोडियम को, याद रखना, कभी भी ना ग्लव्स से ना हाथ से, उसको टोंग्स होती है पकड़ने के लिए, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, टोंग, ये देखो ये है ना, ये चीजें इनसे पकड़ते हैं, ठीक है, इससे पकड़ा जाता है हमेशा, कभी भी हाथ से नहीं पकड़ना उसको सोडियम को, वरना हाथ जला देगा बिल्कुल, चाहे कितना भी छोटा होगा। मैंने गलती कर दी थी एक बार केमिस्ट्री लैब में, है ना, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सोडियम के साथ, और गलती से मैंने ना मतलब उसको एकदम चूर चूर कर रखा था, बिल्कुल चूरा बनाया हुआ था हमने सॉल्ट से जैसा, छोटे छोटे टुकड़े, और मुझे लगा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, मैंने उसको उंगली से साफ कर दिया, और उसके बाद मैंने गलती से जा करके हाथ धोने के लिए पानी, हाथ डाल दिया पानी में, है ना, और मेरा आप मानोगे नहीं, हाथ जल गया, उंगलियां जल गई बुरी तरीके से, मतलब आग नहीं पकड़ गया लेकिन बहुत जलन, इतनी जलन, इतनी जलन मैं आपको बता नहीं सकता वर्ड्स में, ठीक है। कभी भी नहीं करना हाथ से। तो इसको हम क्या करेंगे, एक 250 ml का बीकर लेंगे, है? और उसमें हम क्या करेंगे, आधा पानी डाल, आधी आधा उसमें पानी भर देंगे, ठीक है। उसके बाद सोडियम के पीस को, सोडियम मेटल जो हमने लिया था उसको पहले हम क्या करेंगे, फिल्टर पेपर से साफ कर लेंगे। उसके बाद एक छोटा सा कॉटन का टुकड़ा लेंगे, ठीक है, कपड़े का टुकड़ा लेंगे, उस रखेंगे और उस कपड़े के टुकड़े को डाल देंगे हम उसके अंदर, बीकर के अंदर। तो आप देखोगे ना एकदम वो आग पकड़ जाएगा बुरी तरीके से, ये देख लो आग पकड़ गया, ठीक है। सोडियम बहुत जल्दी रिएक्ट करता है पानी के साथ, ठीक है ना, और इसलिए इसको केरोसिन के अंडर रखा जाता है, सिर्फ केरोसिन में ही ये रिएक्शन नहीं करता, वरना ऑक्सीजन वाटर में तो ये भयानक तरीके से रिएक्शन देता है, ठीक है। कभी भी मत सोडियम के साथ खिलवाड़ करना। तो इससे पता क्या चलता है कि मेटल्स और सोडियम रिएक्ट, बट ऐसा हर मेटल नहीं करता है, हर मेटल एकदम विगरसली नहीं रिएक्ट करता वाटर के साथ। जैसे कि हम जानते हैं आयरन भी एक है मेटल, है ना, तो वो थोड़ी है कि ऐसे पानी में डालते एकदम आग पकड़ जाता है, एकदम स्लो रिएक्ट करता है। कॉपर भी ऐसे नहीं करता, एल्यूमिनियम भी नहीं करता है, ठीक है। उसी तरफ अगर हम नॉन मेटल्स को पढ़े तो नॉन मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, और लेकिन नॉन मेटल्स जो है एयर में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स को किस में रखा जाता है, वाटर में रखा जाता है, ठीक, नॉर्मली। फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है, अगर इसको हवा में जरा सा भी हवा में जाएगा तो ये एक्सप्लोड कर जाता है, ठीक है, एकदम भयानक तरीके से। तो इनको कहाँ रखा जाता है, पानी में रखा जाता है, ठीक। तो इससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया कि किस तरीके से काम करता है मेटल्स, ठीक। अब एसिड के साथ, एसिड में कैसे कैसे काम करते हैं हम ये देख लेते हैं, फिर बेस के साथ देखेंगे हम। देखो सबसे पहले हम एसिड्स के साथ लेते हैं, सेम चीज करेंगे हम, है ना, अलग अलग कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, अलग अलग हम एलिमेंट ले लेंगे और उनको हम 5 बीकर लेते हैं अलग अलग, ठीक है, और उनमें थोड़ा सा हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे, थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, ठीक। पहले हम डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक, और उसके बाद हम एक एक करके ये मेटल डाल देंगे उनके अंदर, और ज़रूरत पड़े तो उसको थोड़ा थोड़ा सा हम गर्म भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, मैच स्टिक को उसके बहुत पे ला करके रखेंगे, फिर देखेंगे रिजल्ट क्या आता है, ठीक। तो रिजल्ट आएगा ये कि आपका जो मेटल्स होंगे वो क्या करेंगे,
रिएक्ट करेंगे एसिड्स के साथ, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोजन गैस पैदा करेंगे, और जब आप लेके जाओगे आपकी मैच स्टिक उसके पास तो वो जल पड़ेगी, पॉप से आवाज आएगी, ठीक है आपको, और जो नॉन मेटल्स हैं वो रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया इसके साथ, एसिड के साथ, है ना। बेसिस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, बेस के साथ भी वैसे ही करेगा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह है इनके ये तो देगा ही नहीं आपका कुछ भी रिएक्शन, है ना, यही था ना, ठीक है। और नॉन मेटल्स जो है एसिड के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन इनका सॉरी बेसिस के साथ रिएक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स है इनका रिएक्शन, है ना, सिंपल रिएक्शन नहीं है, ठीक। तो क्या पता चला हमें कि मेटल्स रिएक्ट करके क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं, और नॉन मेटल्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देते हैं, ठीक। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कुछ नहीं है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है एक सॉल्यूशन में। फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का हम सॉल्यूशन लेते हैं इसमें, ठीक है, उसमें अगर हम जिंक ग्रैन्यूल डालेंगे तो ये क्या करेगा, जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब उसकी जगह से हटा देगा, और यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, पहले था ब्लू कलर का सॉल्यूशन, फिर जिंक की जगह पे कॉपर की जगह पे जिंक आ जाएगा तो जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक सल्फेट कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा और कॉपर हट के बॉटम में बैठ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से कॉपर सल्फेट अगर हम लेते हैं फिर से, ठीक है, उसमें अगर हम आयरन नील डालेंगे तो फिर से ये वही करेगा, आयरन रिप्लेस कर देगा कॉपर को और ये कॉपर नीचे पड़ जाएगा, आयरन सल्फेट बन जाएगा, ठीक। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ये रिप्लेस कर पा रहे हैं इसको, क्योंकि ये जो जिंक है और आयरन है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। लेकिन आप तीसरी रिएक्शन देखो, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर टर्निंग, ये कभी नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि जिंक कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन होगी ही नहीं, ठीक। अब आयरन सल्फेट प्लस कॉपर सल्फेट है, आयरन प्लस कॉपर, ये भी रिएक्शन नहीं होगी आपकी, है ना, क्योंकि ये लोग रिएक्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है ना। जिंक सल्फेट प्लस आयरन, ये हो जाएगी आपकी, है ना। तो कौन किसको रिप्लेस करेगा, ये एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है और रिएक्टिविटी पे डिपेंड करती है कि कौन एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन एलिमेंट कम रिएक्टिव है। जो एलिमेंट, कोई एलिमेंट अगर दूसरे से कम रिएक्टिव होगा तो वो रिप्लेस हो जाएगा, है ना। जैसे कॉपर सल्फेट प्लस जिंक के केस में क्या हो रहा है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है तो कॉपर को हटा दे रहा है वो, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना दिया उसने, है ना। इसमें हमें क्या मिलेगा, केमिकल जो कंपाउंड है उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। देखो कॉपर सल्फेट पहले ब्लू कलर का था, अब वो जिंक सल्फेट बन गया तो कलरलेस बन गया, है ना, और बॉटम में हमें उसका रेसिड्यू भी मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा देखने को, ठीक है। अब हमें यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखना है, कहाँ कहाँ मेटल और नॉन मेटल यूज होते हैं। मेटल्स आपके दुनिया भर की जगह यूज़ होते हैं, कोई भी मशीन बनती है मेटल से बनती है, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन, ट्रेन, सैटेलाइट, इंडस्ट्रियल गैजेट, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर, हर चीज़ आपका मेटल का बना हुआ है ना। अब लोहे का जो भी आप सोच सकते हो वो सब लिख दो एग्जांपल में, ठीक। नॉन मेटल आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, नॉन मेटल कहाँ कहाँ हम यूज़ करते हैं। नॉन मेटल सबसे पहले तो हम इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन था ना नॉन मेटल, तो इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन। फिर नॉन मेटल फर्टिलाइजर्स में यूज होता है, ठीक। फिर नॉन मेटल वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस में यूज होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है, राइट द यूजेस एंड नॉन यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको लिखना है। मेटल्स का यूजेस, मेटल्स आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग दीज, एंड नॉन मेटल का यूज लिखना था आपको, नॉन मेटल इज यूज्ड फॉर इनहेलिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग, है ना। नॉन मेटल इज यूज इन फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, नॉन मेटल इज यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस, नॉन मेटल इज यूज इन द पर्पल कलर सॉल्यूशन विच इज यूज ऑन वुंड एज एन एंटीसेप्टिक। आप डायरेक्ट लिख दो, नॉन मेटल इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज करते हैं हम, ठीक है। नॉन मेटल इज यूज इन क्रैकर्स, जो पटाखे छोड़ते हो ना उसमें बहुत सारे नॉन मेटल यूज होते हैं आपके, ठीक। तो ये चीजें थी। आपने कभी कभी सुना होगा प्लांट्स में मैग्नीशियम होता है, तो कैसे होता है पूछना मैडम से। अगर कई बार आप सुनते हो कि हमारे बॉडी में आयरन है,
आयरन डिफिशियंसी कम होगी, तो आयरन आपके ब्लड में होता है, ठीक है, तो ये चीज है। अब यहाँ पे एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा बता रखा है ना कि देखो दुनिया में आप कितने सारे चीज कंपाउंड देखते हो, है ना, लेकिन सब किसके बने हुए हैं, एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जिसको फर्दर तोड़ा, नॉर्मली केमिकल रिएक्शन से नहीं तोड़ सकते आप ना, कि कूल करके, हीट करके, इलेक्ट्रोलाइसिस करके नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। एलिमेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हो गए, सल्फर हो गया, आयरन, कार्बन, अभी हमने बहुत सारे पढ़े, एलमोनियम वगैरह, सब ये सब एलिमेंट ही हैं, ठीक है ना। मेटल है, नॉन मेटल है, वो अलग बात है, लेकिन पहले वो एलिमेंट है, ठीक है। ऐसे एलिमेंट कितने हैं, पूरी दुनिया ना सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स की बनी हुई है, पूरा यूनिवर्स, आपके तारे वारे सब, है ना, सन भी हमारा एलिमेंट का बना हुआ है, हर चीज़ जो दिख रही है ना पूरे यूनिवर्स में, वो सब का सब एलिमेंट्स के बने हुए होते हैं, और ये एलिमेंट्स बहुत ही लिमिटेड हैं, ठीक। टोटल नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट्स कितने हैं, सिर्फ 94 है, सोच के देखो, सिर्फ 94 एलिमेंट्स हैं, और फिर उसमें भी कुछ मेटल हैं, कुछ नॉन मेटल हैं, है ना, और उसके बाद कुछ एक मेटलॉइड है। मेटलॉइड किस कौन होते हैं, जिनमें मेटल का करेक्टर भी होता है, नॉन मेटल का करेक्टर भी होता है, ठीक, उनको हम मेटलॉइड बोलते हैं। तो ये था आपका चैप्टर, पूरे डिटेल में हमने पढ़ लिया, होप कोई इशू ना रहा हो, कोई दिक्कत हो तो एक बार और सुन लो चैप्टर को, आराम से फिर से पढ़ लो, एक बार में नहीं समझ में आया दूसरी बार समझ में आएगा, तीसरी बार में समझ में आएगा, है ना। चलो आपके फटाफट हम क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स, कौन सा होता है बताओ, ऑक्सीजन, सल्फर, फॉस्फोरस या जिंक, कौन हो सकता है। ऑक्सीजन को आप बीट कर सकते हो, नहीं, सल्फर को टूट जाएगा, फॉस्फोरस बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ जिंक ही है जिसको आप बीट कर सकते हो, है ना, थिन शीट में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल, सब नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कौन से सही होगी इसमें से। तो ए सही है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल, वो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ही है ना। फिल इन द ब्लैंक्स, फॉस्फोरस इज अ वेरी डैश नॉन मेटल, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, है ना, हमने पढ़ा था ना अभी। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे गुड आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आएगा। आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, मेटल एसिड से मिलके क्या करते थे, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते थे, है ना, हमने बताया था हाइड्रोजन गैस में, फिर हम उसके बीकर पे मैचस्टिक लगाते हैं तो पॉप सी आवाज़ आती है, है ना। मार्क ट्रू एंड फॉल्स, नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, ट्रू, नहीं फॉल्स, है ना, रिएक्ट नहीं करता। सोडियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, यस ट्रू। कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक एंड फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक, नहीं ये फॉल्स है आपका, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये तो बिल्कुल ही फॉल्स है। अब यहाँ आपको प्रॉपर्टीज लिखनी है इनकी, है ना, सम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड बिलो, डिस्टिंग्विश बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। हाँ, तो आपको टिक मार्क करना है कौन कहाँ है। अपीयरेंस, मेटल का लस्ट्रस होता है, इसका नॉन लस्ट्रस। हार्डनेस, ये हार्ड होता है, ये नॉन हार्ड होता है। मेलेबिलिटी, यस मेलेबिलिटी होती है, इसमें मेलेबिलिटी नहीं होती। डक्टिलिटी, हाँ मेटल में होती है, इसमें नहीं होती। हीट कंडक्शन, हाँ मेटल में होती है, इस नॉन मेटल में नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन, मेटल में यस, इसमें नो, है ना। तो इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर दिया हमने। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, कितने क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग, एल्युमिनियम फॉइल आर यूज टू रैप फूड आइटम्स, क्यों करते हैं हम इसको एल्युमिनियम फॉइल को, क्यों, क्योंकि एल्युमिनियम मेटल है, मेटल आर बैड कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बताओ फिर ये एल्युमिनियम क्यों आप रैप करते हो फूड आइटम्स को, क्योंकि एल्युमिनियम आपका उसको हीट बनाए रखता है। एल्युमिनियम इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक, ये रीजन हो सकता है। इमर्जन रॉड फॉर हीटिंग लिक्विड्स मेड ऑफ मेटलिक सब्सटेंसेस, क्यों। अब भाई इमर्जन रॉड जो देखते हो, इमर्जन रॉड जिससे आप पानी गर्म करते हो, अगर वो मेटल का नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास कैसे करेगा, अब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा तो वो गर्म नहीं होगा, है ना। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक इन इट्स साल्ट सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है, क्योंकि कॉपर, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, है ना। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर वेरी मच रिएक्टिव व्हेन एक्सपोज्ड इन एयर, है ना। कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्युमिनियम यूटेंसिल, व्हाई,
लेमन पिकल को आप एल्युमिनियम के यूटेंसिल पर रख सकते हो कि नहीं रख सकते, ये बताओ। लेमन पिकल को आप यूटेंसिल में रख सकते हो कि नहीं, ये तो तो लेमन को हम क्यों नहीं रख सकते एल्युमिनियम पिकल में, लेमन पिकल को एल्युमिनियम में यूटेंसिल में? देखो क्या है, लेमन आपका क्या है, खट्टा होता है ना, आपने सुना है ना, उसमें खट्टापन क्यों आता है किसी भी फ्रूट में, क्योंकि उसमें एसिड होता है। ठीक है, ऑरेंज है, लेमन है, कोई भी जो होगा जिसमें खट्टा खट्टापन होगा वो एसिड होता है। एसिड कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, चलो आपको ये नहीं जानना है कि वो कौन सा एसिड होता है, सिर्फ एसिड होता है। ठीक है, अब एसिड अगर होगा तो एसिड क्या रिएक्ट करेगा, ये मेटल है और ये एसिड है, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, है ना, हमें पता है, और हाइड्रोजन गैस दे देगा, है ना, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो पिकल आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, इस चलते हम लेमन पिकल को एल्युमिनियम यूटेंसिल में ही रखते हैं। ठीक, अब मैच द कॉलम ए एंड बी। गोल्ड किस क्या बनाते हैं, हम गोल्ड से ज्वेलरी बनाते हैं भाई। आयरन, आयरन किस चीज़ में काम आती है, मशीनरी बनाने के काम आती है। एल्युमिनियम फूड रैप करने के लिए। कार्बन, कार्बन 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 फ्यूल में यूज़ होता है कोयले के तरीके से। कॉपर इलेक्ट्रिक वायर में यूज़ होता है, मर्करी थर्मामीटर में यूज़ होता है ना, कितना आसान है यार। अब मैं कुछ चीज़ें छोड़ दे रहा हूँ आपके लिए, है ना, ताकि आप भी कुछ करो, नहीं तो मैं सारा कुछ बताऊंगा तो फिर फ़ायदा क्या है पढ़ाने का आपका, है ना। अब मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग कर लोगे, और फिर भी नहीं कर पाओ तो मेरे को फिर कमेंट में लिखना, तो फिर हम डिस्कस करेंगे इसको दोबारा से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में भी मिलेंगे, नया चैप्टर लेके आएंगे आप। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।